INS कलवरी डीजल इलेक्ट्रिक युद्धक पनडुब्बी भारतीय नौसेना को मिल गई है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाई गई इस पनडुब्बी से भारतीय नौसेना समुद्र में दुश्मन का मुकाबला करने में अब और ज्यादा सक्षम हो गई है। आइए इस खास रिपोर्ट के जरिए जानते हैं इस पनडुब्बी के बारे में खास बातें। कलवरी का नाम हिंद महासागर में पाई जाने वाली खतरनाक टाइगर शार्क के नाम पर रखा गया है। नौसेना की परंपरा के मुताबिक शिप और सबमरीन के सेवा मुक्त होने पर उन्हें दोबारा अवतरित किया जाता है। वैसा ही कलवरी के साथ भी हुआ है। यह साल भारतीय सबमरीन ऑपरेशंस के 50वें साल को गोल्डन जुबली के तौर पर मनाया जा रहा है। इसके लिए फ्रांस की DCNS और MDL के बीच अक्टूबर 2005 में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए समझौता हुआ था। कलवरी सबमरीन का इतिहास करीब 50 साल पुराना है। पहली कलवरी 8 दिसंबर 1967 में भारतीय नौसेना में शामिल हुई थी और यह भारत की पहली सबमरीन भी थी। इसे 31 मार्च 1996 को 30 साल की राष्ट्र सेवा के बाद भारतीय नौसेना से रिटायर किया गया। एक सच्ची नॉटिकल परंपरा के मुताबिक कलवरी का फिर से अवतरण हुआ है। अब स्कॉर्पिन सबमरीन एक बार फिर से समुद्र की गहराई में राष्ट्र के नौसैनिक हितों की रक्षा के लिए मौजूद है। सबमरीन कलवरी में स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। कलवरी एडवांस्ड साइलेंसिंग टेक्निक से लैस है। शोर और ध्वनि को कम रखने के लिए सबमरीन में रेडिएटेड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। कलवरी को हाइड्रोडायनामिकली ऑप्टिमाइज्ड शेप दिया गया है। यह सबमरीन दुश्मनों पर अपने घातक हथियारों से हमला करने में सक्षम है। कलवरी टारपीडो और ट्यूब तरीके से एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती है। स्कॉर्पिन सबमरीन की लंबाई 67.5 मीटर और ऊंचाई 12.3 मीटर है, जिसमें 360 बैटरी हैं, जिसमें हर बैटरी का वजन 750 किलोग्राम है। साथ में 1250 किलोवाट के दो डीजल इंजन लगे हैं, जो बैटरी को जल्दी से जल्दी चार्ज करते हैं। इसकी स्पीड करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह समंदर में 50 दिन तक रह सकता है। सबमरीन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह कई तरह के अभियानों में हिस्सा ले सकती है, जिसमें एंटी सरफेस वॉर, एंटी सबमरीन वॉर, इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, माइंस बिछाना और एरिया सर्विलांस जैसे तमाम काम शामिल हैं। भारत अब सबमरीन बनाने वाले देशों में अपनी जगह मजबूत कर चुका है। अभी नौसेना बेड़े में और भी सबमरीन शामिल होने वाली हैं, जिन्हें मेक इन इंडिया के तहत ही बनाया जा रहा है, जिसके बाद देश की नौसेना और भी शक्तिशाली हो जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि सबमरीन कब तक नौसेना में शामिल होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।